हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। तो आप तभी चैनल ग्रो नहीं कर रहा, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, इतनी वीडियोस भी डालते हैं, लेकिन चैनल बढ़ ही नहीं रहा, कोई देखने ही नहीं आता, जो सब्सक्राइबर हैं वो भी नहीं देखते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको यूट्यूब की जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, यूट्यूब के जो फीचर्स होते हैं, उनको जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपके नए सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपके व्यूज़, वॉचार्स सब कुछ बढ़ता है। तो इसको आप कैसे बढ़ाएंगे, डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या होती हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एक पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये पता ही होगा और ये चीज़ आपने कर ली होगी, लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं और आप या फिर अभी आपने चैनल एकदम नया स्टार्ट करा है तो आपको ये चीज़ सबसे पहले करनी है। आते हैं, चैनल ओपन करते हैं, जाते हैं क्रिएट वीडियो पे और वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आप वीडियो तो अपलोड करते जाएंगे, नंबर ऑफ वीडियो जो है आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन चैनल ग्रो नहीं करेगा। जब तक आप YouTube की पूरी प्रोफाइल्स को अपडेट नहीं करते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स को अपडेट नहीं करते हैं, आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो मैं ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और ये कौन से डिफॉल्ट पॉइंट्स हैं, डिफॉल्ट फीचर्स हैं, डिफॉल्ट अपडेट्स हैं जो आज करना आपको बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट लिख लीजिए, वॉचार्स जितने हैं, व्यूज़ जितने हैं और जितने सब्सक्राइबर हैं, आप आज से एक महीने बाद देखिएगा कितना डिफरेंस आपको मिलेगा इस डिफॉल्ट सेटिंग्स को अपडेट करके। तो मैं ले चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और दिखाता हूं कैसे आपको ये अपडेट करना है। तो आप आएंगे youtube.com पे और यहां पे अगर आपने साइन इन नहीं करा है तो आपका आइकन नहीं आ रहा होगा, साइन इन कर लेंगे तो आपका आइकन लोगो आ रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको आना है यूट्यूब स्टूडियो में। जितनी भी फंक्शनैलिटी है YouTube की प्रोफाइल अपडेट की, वो आपको YouTube स्टूडियो से ही करनी होती। तो यहाँ पे आपको दो जगह डिफॉल्ट अपलोड्स करने हैं। कौन कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो पहला डिफॉल्ट अपलोड्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके लिए आप ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेआउट के ऊपर हाईलाइट रहता है और ये पहला सेक्शन है। यहाँ पे तीन पार्ट्स में आपको प्रोफाइल को अपडेट करना होता है यूट्यूब की। ये फीचर्स आप जब पूरे अपडेट करते हैं उसके बाद ही आपके यूट्यूब के चैनल का परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो यहाँ सबसे पहले वीडियो स्पॉटलाइट है, यहाँ पे ट्रेलर वीडियो लगाई जाती है जिसमें आप कह सकते हैं आपके चैनल का लोगो होता है, नेम होता है और या कह सकते हैं चैनल की ब्रांडिंग होती है, जिसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल की एक वीडियो बना चुका हूँ, चैनल ट्रेलर फॉर द पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब्ड और फीचर वीडियो फॉर द रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स। तो ये लगाने के लिए मैंने पहले से पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका URL मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से देख के ये चीज़ अपनी सेट कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ फीचर सेक्शन आता है। फीचर सेक्शन में ये चीज़ डिफ़ॉल्ट बनी होती है पहले से, और जो ये नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं शॉर्ट्स का, तो ये अलग सेक्शन बनाना पड़ता है। इसको बनाने के लिए आप ये ऐड सेक्शन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये शॉर्ट वीडियोज़ बना दिया है, इसलिए ये क्लिकेबल नहीं है, बाकी चीज़ें क्लिकेबल हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन फीचर सेक्शन के बारे में आपको और जानना है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है शॉर्ट्स के बारे में, वो URL भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए हर सेक्शन की एक अलग वीडियो बनाई है जिससे आसानी से आप समझ सके, और छोटी वीडियो है जिससे मैं आपको क्लियरली समझा भी सकूं। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख भी सकते हैं। अगर आपको YouTube से रिलेटेड मेरी सारी वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे चैनल पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी अभी आपको दिखाया था, ये मेरी ट्रेलर वीडियो है, ये भी लगी है, और यहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन आप मिलता है जब आप चैनल पे आते हैं किसी भी सब्सक्राइबर के। तो यहाँ देख सकते हैं YouTube का एक अलग पूरा सेक्शन बना है, आप यहाँ से YouTube से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है मेरी, चाहे वो शॉर्ट्स से हो YouTube से, या YouTube के फीचर को अपडेट करने से लेके हो, या किसी भी चीज़ से हो, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप अपनी पूरी प्रोफाइलिंग YouTube की कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं स्टूडियो पे और जहाँ से और कस्टमाइजेशन करना है आज मैं आपको पूरा कंप्लीट बता देता हूँ। तो यहाँ पे वापस आने के बाद यहाँ की जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का URL है, आप देख लेंगे। उसके बाद आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में देखिए यहाँ पे आपको अपना लोगो लगाना होता है। लोगो का साइज़ यहाँ बताया है कि आप 98x98 पिक्सल का होना चाहिए, जो कि 4 MB से लेस होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है यूज़ PNG और GIF, आप PNG और GIF में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनिमेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ साफ साफ मेंशन है। और यहाँ पे है मेक श्योर योर पिक्चर फॉलोज द कम्युनिटी गाइडलाइन, तो कोई इस तरह का लोगो मत बनाइएगा जो कम्युनिटी गाइडलाइन को वॉयलेट करता हो। तो आपको और जानना है कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में तो लर्न मोर का जो ऑप्शन है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते देखिए इस तरह का ये पॉपअप ओपन हो जाता है, यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स दी हैं, आप अगर उसको चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, तो इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। अगर आपने लगा चुके हैं, चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बैनर आता है, ये किस तरह से दिखता है मैं अपने चैनल पे ही आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यो चैनल को मैं नए टैब पे खोल लेता हूँ जिससे मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। तो आपने देखा ये मैं अपने चैनल पे आया, तो यहाँ पे देखिए ये लोगो लगता है जो मुझे दिखता रहता है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। और ये देखिए जो लिखा है ट्रू रियलिटी टेक, ये बैनर होता है, जब भी आपके चैनल पर कोई विजिट करता है तो इस तरह से ये शो होता है। इसको भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ राइट टॉप कॉर्नर पर आप देख रहे हैं कैमरे का बटन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगाना है तो आपको पहले यहाँ प्रोफाइल में ही जाके कस्टमाइज़ करना होगा। रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, लगाना है तो यहाँ से लगा भी सकते हैं। और फिर लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं वाटरमार्क का आता है, जब भी आपकी वीडियो कोई देखता है तो आपका ये जो लोगो है ये आपकी पूरी वीडियो पर डिस्प्ले हो रहा होता है, तो इसको वाटरमार्क कहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के एंड पर भी लगा सकते हैं, वीडियो के स्टार्ट से भी लगा सकते हैं, और इंटायर वीडियो पर अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो जैसे ही प्ले होगी आपकी कोई देखेगा तो स्टार्ट से ही आपका लोगो वहाँ पे आने लग जाता है। तो यहाँ पे ये ब्रांडिंग की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे चैनल कस्टमाइजेशन में थर्ड ऑप्शन है बेसिक इन्फो का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपने जो चैनल है आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, किस तरह का कंटेंट डालते हैं, आपको उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा। और आपको जो अपने चैनल का नेम है वो भी लिखना होगा, जैसे मैंने देखिए हैशटैग में भी लिखा है, स्मॉल लेटर से भी लिखा है, स्पेस देके चैनल करके भी लिखा है, डॉट लगा के भी लिखा है, और कैपिटल लेटर्स में भी लिखा है। तो आपको भी अपने चैनल को ऐसे ही पूरा ब्रांडिंग करनी होगी। जब आप यहाँ पे अपने टैग डालते हैं, अपने चैनल का नेम डालते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके चैनल का नेम भी स्क्रॉल हो रहा होता है यूट्यूब की वीडियो सर्चिंग में। तो किस तरह का इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आप कोई पेड एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं किसी के बारे में तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आप अपने चैनल का जो URL है, अगर आपको कभी किसी को देना है तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। कस्टम URL कैसे बनाएंगे इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसको जब आप फुल करते हैं तभी आप कस्टम URL बना सकते हैं। तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में URL मैंने दे रखा है, अगर आपको कस्टम URL बनाना है तो वो वीडियो देख के भी आप बना सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने एक फेसबुक का देखिए लिंक ऐड कर रखा है। अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है आप यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप टाइटल ऐड करेंगे कि आप किस चीज़ का लिंक ऐड कर रहे हैं, उसके बाद जो URL होगा उसको आप ऐड कर देंगे। तो अभी यहाँ मुझे किसी का नहीं ऐड करना तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे चाहिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 या 6 या 10 आपने ऐड कर रखे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे सिर्फ शुरू के 5 लिंक्स दिखे, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 लिंक्स ही आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ ट्विटर लिख दिया और यही URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए ट्विटर का एक लिंक ऐड कर दिया जिसमें यही वाला URL पेस्ट कर दिया है। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे 10 लिंक्स थे लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि आप 5 लिंक को ही शो कर सकते हैं, तो आपके जो टॉप 5 लिंक होंगे वही शो होंगे। अब मान लीजिए आपके अगर यहाँ पे 10 URL थे तो आप जो टॉप 5 को दिखाना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर, मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए ये मेरा चैनल है, यहाँ चैनल पर देख सकते हैं यहाँ फेसबुक पेज करके लिख के आ रहा है। तो आप इस बैनर के ऊपर आपके सिर्फ टॉप 5 लिंक्स ही दिखते हैं। तो टॉप 5 को लिंक को दिखाने के लिए अगर आपको चाहिए कि आपके 5 लिंक जो ऊपर आए लेकिन आपने 10 ऐड कर रखे हैं, तो ये जो बटन आपको दिख रहा है आप इसको क्लिक करेंगे और पकड़े रहेंगे और ऊपर ले जाके छोड़ देंगे। तो देखिए जो भी आप टॉप 5 करना चाहते हैं इस तरह से आप ड्रैग करके उसको ऊपर कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए था इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो आप समझ गए लिंक ऑन बैनर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट इन्फो का, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं जिससे लोग आपको कम्युनिकेट कर सके आपके मेल पे। तो आप वापस से चैनल पे आएंगे, चैनल पे आने के बाद ये जो अबाउट सेक्शन है अब यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो रहा है ये वही डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे बेसिक इन्फो में बनाया गया है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन शो होता है, URL कहाँ शो होंगे ये मैंने आपको दिखा दिया, कस्टम कैसे बनाना है बता दिया, ईमेल आईडी की बात कर रहे थे हम लोग। तो ईमेल आईडी स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, देखिए यहाँ लिखा होता फॉर बिजनेस इंक्वायरीज। अब कोई सब्सक्राइबर या कोई नया बंदा अगर आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है नॉर्मली या किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आपको वो यहाँ व्यू ईमेल के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ आपकी ईमेल आईडी शो होने लग जाती है। लेकिन कोई नया सब्सक्राइबर होगा तो उसके लिए यहाँ पे उसको कैप्चा कोड इंटर करना होता है, कैप्चा कोड इंटर करते ही जब क्लिक करता है तो उसको शो होती है, और जो लिंक्स आपने बनाए हैं उसका देखिए यहाँ पे भी शो होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा आपका चैनल का कस्टमाइजेशन हो गया। अब आपको डिफ़ॉल्ट अपलोड्स करने हैं, डिफ़ॉल्ट अपलोड्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप आएंगे ये सेटिंग्स के ऑप्शन में, तो यहाँ आते ही आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आप यहाँ पे पहले चैनल पे क्लिक करेंगे।
चैनल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपकी कंट्री अगर सेलेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको पहले कंट्री सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस कंट्री से वीडियो को बनाते हैं, अपलोड करते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स बहुत काम आते हैं आपके चैनल को स्क्रॉल में वीडियो में दिखाने के लिए, सर्च करने के लिए और आपके चैनल की ग्रो बढ़ाने के लिए। अब देखिए यहाँ कैसे काम आता है, आप मेरे चैनल का नेम जानते हैं टू रियलिटी टेक, तो देखिए टू रियलिटी टेक यहाँ भी लिखा है, कैपिटल से भी लिखा है, टू रियलिटी टेक चैनल भी लिखा है, टू रियलिटी टेक डॉट भी लिखा है, देखिए यहाँ जोड़ के भी लिखा है, हैशटैग से भी लिखा हुआ है। तो आप जिस तरह से भी लिख सकते हैं आप अपने चैनल के सारे कीवर्ड्स लिखिए और साथ में वो कीवर्ड्स भी लिखिए जिस तरह की आप वीडियो को बनाते हैं, अपलोड करते हैं। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब भी नेट पे कोई सर्च करता है तो ये आपके चैनल के कीवर्ड से मैच करके आपके वीडियो का सजेशन भी वहाँ पे शो करता है, तो आप इसको मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको अपडेट नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग है, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, डू यू वॉन्ट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। तो यहाँ पे जब भी आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो बच्चों के लिए बना रहे हैं या एडल्ट के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहां से कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए ही बनाते हैं कंटेंट जैसे एजुकेशनल का या कॉमिक टाइप में, तो आप यहां यस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उनको सजेस्ट होने लग जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चों का नहीं रहता है तो आप यहां नो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं हर बार जब वीडियो अपलोड करें तो आपको रिव्यू हो, आपको ये अपडेट करना हो, तो आप लास्ट ऑप्शन भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो वो भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन फीचर एलिजिबिलिटी का है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो सेट रहता है पहले से आप वही रहन देंगे। अब आप क्लिक करेंगे यहाँ अपलोड डिफॉल्ट्स के ऑप्शन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ पे काम आता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आप टाइटल लिखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है अगर आप यहाँ से एक बार टाइटल सेट कर देंगे तो आपको बार बार टाइटल अपलोड नहीं करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी हर वीडियो अलग होती है, किसी वीडियो में कुछ दिखाते हैं किसी वीडियो में कुछ दिखाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे जो चीज़ें आप अपडेट करते हैं वो कहाँ दिखती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं फिर से चैनल पे जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं अपने स्टूडियो में एक बार फिर से आऊँगा। तो स्टूडियो में आने के बाद ये कंटेंट के सेक्शन पे जाएंगे और कंटेंट के सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरी ये वीडियो है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो टाइटल होता है ये टाइटल आप बार बार अपडेट करते हैं, तो ये आपको अपडेट करना ही पड़ता है, इसलिए वहाँ से आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन को फिक्स कर सकते हैं, जैसे मेरा ये स्टार से लेकर आखिरी नोन तक ये सारा डिस्क्रिप्शन फिक्स है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इतना डिस्क्रिप्शन फिक्स है, नीचे तक देखिए स्क्रॉल करेंगे तो देखिए मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ शो हो जाता है, तो ये मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ता। और इसमें भी देखिए मेरे चैनल का टाइटल टैग है, स्मॉल लेटर से अपर लेटर से सब तरीके से मैंने लिख रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके चैनल की ग्रोथ में और यूट्यूब के ऊपर सर्च में हेल्प करता है, लेकिन लोग इसको अपडेट नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसको पब्लिक बनाना चाहते हैं, प्राइवेट बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहीं से डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है लास्ट में। उसके बाद ये टैग्स में भी देखिए मैंने अपने चैनल का नेम लिख रख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टैग्स के थ्रू ही यूट्यूब के ऊपर सर्च करी जाती हैं वीडियो। आप कोई भी वीडियो सर्च करेंगे अगर आपने यहाँ पे टैग्स में लिख रखा है तभी आपकी वीडियो सर्च होके आती है, वरना नहीं आती है। तो यहाँ पे टैग देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टैग्स होते हैं। अब आप टैग्स में देख रहे हैं यहाँ मेरा जो पहला ये ऑप्शन आ रहा है ये डिफ़ॉल्ट आता है, बाकी टैग्स मुझे यहाँ लिखने पड़ते हैं। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट टैग्स जो हमेशा आपको आए और आपको लिखने ना पड़े, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये पूरी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है आपका बेसिक इन्फो। और एडवांस सेटिंग में आएंगे तो यहाँ से भी कुछ ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये एडवांस सेटिंग में लाइसेंस पे स्टैंडर्ड रहने देंगे। कैटेगरी के ऑप्शन में आप जिस तरह की वीडियो को अपलोड करते हैं ज़्यादातर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन आपको चैनल पे वीडियो अपलोड करते समय भी मिलता है, ये मैं अभी आपको फिर से दिखा दूंगा। उसके बाद किस लैंग्वेज में आप वीडियो बनाते हैं सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन आप किस लैंग्वेज में डालते हैं आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियो की रेटिंग्स लोगों को दिखे तो आप यहाँ टिक रहन देंगे, वरना यहाँ से टिक हटा देंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन सेव का है, आप सेव कर देंगे। अब ये जो ऑप्शंस थे एडवांस सेटिंग के ये कहाँ दिखते हैं ये भी मैं दिखा दूँ। तो जब वीडियो आप अपलोड करते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिखता है कि लैंग्वेज किस में है, डिस्क्रिप्शन किस में है, उसके बाद यहाँ आपने रिकॉर्ड किस दिन करा ये आपको सेलेक्ट करना होता है, वीडियो की लोकेशन क्या है ये आपको सेलेक्ट करना होता है, और ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइसेंस है ये डिफ़ॉल्ट रहता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ये कैटेगरी आती है जिसमें आपको बताना होता है
कि आप किस तरह की वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट आप वहाँ से सेट कर देंगे तो हमेशा यहाँ पे सेट रहेगा, लेकिन अगर बाद में आप अपलोड करते समय चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अपडेट करनी होगी, तभी आपका चैनल ग्रो करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आप पूरी सेटिंग्स हो गई। अब यहाँ पे कोई ऐसी सेटिंग्स नहीं बची हैं जो आपको करना बाकी हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से ये आपको सारे अपडेट्स करने हैं। अब इसमें से बहुत से अपडेट्स की वीडियो मैं पहले ही यूट्यूब पे बना चुका हूँ, आपको कहाँ से जाके वो देखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आप उन वीडियोज़ को भी देखेंगे, और आज कोई भी नई वीडियो डालने से पहले आप पहले अपनी पूरी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, उसके बाद वीडियोस को डालेंगे, आप अपना खुद रिस्पांस देखेंगे कि कितना बढ़ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।